न्यूज़ ये है कि चंद्रयान के बारे में हमने सुना। हाँ जी, चंद्रयान में ट्राई इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर। हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है। हो गया कामयाब। और सर आपने खबर सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चांद पर लैंड कर गया अभी आज। हो गया वो? हाँ जी अभी आज हो गया, न्यूज़ आ गई। वाह यार, ये तो ज़बरदस्त बात है यार, माशाल्लाह। जो है ना, चलो हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुंच गया, हम तो नहीं पहुंचे, वो तो चलो जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दिया। करना चाह रहे हैं हमारे साथ। जी अंकल, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? जो मुल्क के हालात जा रहे हैं। क्या भाई, चांद पे पहुंच गया इंडिया? इंडिया चांद में पहुंच गया है अभी। हाँ जी, और हम कहाँ पर, हम चांद पर जा सकते हैं अभी? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? इंडिया हम पर हमला करेंगे। इंडिया हम पर हमला करेंगे? ठीक है। ये आपने इधर आए, जरा इधर आए, जरा आपने बच्चों को क्या पढ़ाया हुआ, कह रहे इंडिया हम पर हमला करेगा। गरीब आदमी पिसके रह गया। अच्छे अच्छे बच्चों को डकैतियां करते देख रहा हूँ। अभी इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, हम सुलह कर लें। दोस्ती नहीं करना। सर आपने खबर सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चांद पर लैंड कर गया अभी आज। हो गया वो? हाँ जी अभी आज हो गया, न्यूज़ आ गई। वाह यार, ये तो ज़बरदस्त बात है यार, माशाल्लाह। जो है ना, चलो हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुँच गया, हम तो नहीं पहुँचे, वो तो चलो जो है ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दिया है, तो एक्साइटमेंट वाली बात है। अब ये है कि हम उनके इक्वल, मतलब कि हमारे साथ ही वो लैदा लैदा हुए हैं अब, लेकिन उनके इक्वल हम देखा जाए तो हम जो है ना बहुत पीछे हैं। अब मेरा जो है ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिज़नेस है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो हम उनके ज़ीरो से भी माइनस वाली साइड पे अगर जाया जाए तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है ना वो चलें, एशिया का जो है ना कंट्री है, हमारे नेबर हैं, हमारे से लैदा हुए हुए हैं, जो भी वो बॉर्डर लेवल पर जो अख्तलाफात हैं वो एक सेपरेट हो गए, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना वो अगर इस चीज़ को लिया जाए तो वो भी नंबर ले गए हैं। कितनी बड़ी बात है, चांद पर जाने वाला चौथा मुल्क और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन गया। बिल्कुल ऐसा। कितनी बड़ी, कितना बड़ा दिन होगा आज उनके लिए। बहुत ज़बरदस्त दिन होगा, लेकिन ये है कि हमें ये चीज़ें देख के हमारे लिए भी कुछ पॉजिटिव हम भी लेना। अब हम खुद पर्सनली मैं कहूँ कि जो हम अगर ग्राउंड से एक चीज़ स्टार्ट हो ना तो फिर अप पे जाती है। हम ग्राउंड वाले सीधी से बात है, हम भी जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक काम नहीं हो रहा तो वहाँ पे जी ले दे के क्लियर कर लें। ये सारी चीज़ें जब हम ग्राउंड से क्लियर करेंगे तो फिर हम अपसाइड पे जाएंगे। हम डायरेक्ट कहते हैं हमारा गवर्नमेंट सिस्टम ये है, हमारा वो है, जब हम बेस अपनी क्लियर नहीं कर पाएंगे, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे हम किस तरह इस चीज़ को जो है ना वो लेवल पे लेके जाएंगे। उन्होंने ज़ाहरी बात है मेहनतें की हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एप्पल स्टोर वहाँ पे आ गया हुआ है, ठीक है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। हम टेस्ला जो है ना वो कर रहे हैं, हम ये चीज़ें मर्सिडीज़ जो है ना वो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम सिर्फ न्यूज़ में देख के भाई देते हैं, हो जाए कभी हमारी बारी भी आएगी, लेकिन हम जो है ना, आपको पता है इसी रेस के अंदर रशिया भी पड़ गया था, लूनर 25 नाम से रॉकेट खला में भेजा, आपने सुनी होगी न्यूज़। नहीं, पॉसिबल नहीं, जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है, नॉलेज में है ये चीज़ें, तो जो है ना वो ज़ाहरी बात है वो बेसिक हम उनको सर्च करते रहते हैं जी, ये दुश्मनी हुई, वो दुश्मनी हुई, ये अटैक हुआ, वो अटैक हुआ, लेकिन उसके साथ साथ फिर जो उनके पॉजिटिव पॉइंट है वो नज़र आते हैं, और पता नहीं ये हमारी किस्मत में जो है ना वो दुनिया में वो अपने नाम को सुरखुरू कर दिया भाई, दुनिया में पहचाना जा रहा है कि इंडिया दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब शायद उनके इंडिया की वजह से ही अब दुनिया को पाकिस्तान भी नज़र आ जाए, अदरवाइज पाकिस्तान का कोई नाम जो है ना वो अब मुझे बात बताएं, जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड होता है और वहाँ से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अफ्रीका गए हुए हैं, उधर से भी न्यूज़ आ जाती है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत भी बन जाएगा, तीसरी बड़ी मईशत। आप हिसाब लगा लें, डे बाय डे वो चांद पर भी चले गए भाई, मईशत को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, बहुत 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 आगे चले गए हुए हैं। मतलब कि सुनते आ रहे थे कि जी इनके रुपीज़ में और हमारे रुपीज़ में इतने पैसे का डिफरेंस है, इतने पैसे का डिफरेंस है, और अब वो पता नहीं कहाँ पे कहाँ चला गया, हम बल्कि उल्टा माइनस में चले गए हैं, वो कहाँ पे पॉजिटिव हो गए। अब ये चीज़ें सारी मुझे नहीं पता कि किस तरह कर रहे हैं उनकी, मैं शॉर्टकट में कहूँगा मेहनत है, लो लेवल से लेके अप लेवल तक सब मेहनत कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हम जो है ना शॉर्टकट के अंदर पड़े हुए हैं, बस जहाँ पे शॉर्टकट लगता है हम इंजॉय कर लेते हैं, बस अल्लाह खैर सल्लाह, बाकी कुछ बने ना बने हमारा पेड़ सीधा चल रहा है, हम उसको चलाते जाएंगे बस। कब तक चलेगा? डॉलर भी 300 पर चला गया, अभी पेट्रोल भी 350 पर चला जाएगा, कब तक हमारा चलेगा ये निज़ाम? हल है ना, मैं सोच रहा हूँ ना बाहर के मुल्क जाने का। छोड़ जाओगे मुल्क? भाई देखें यहाँ पे रह के क्या करना है, यहाँ पे रह के कुछ भी नहीं है। 15 लाख नौजवान छोड़कर चला गया, ये वो नौजवान है जो कैलकुलेशन में है,
और जो डंकी मार के जाते हैं वो तो अनगिनत अलहदा है, लेकिन मैं पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ मैं कंट्री देखें, अब यूरोपियन कंट्री में जाना किसी में भी जो है ना ट्राई कर रहा हूँ मैं, अल्लाह करे जो है ना कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए, डंकी वाली साइड पर नहीं जाना, करना पॉजिटिव ही है, रेगुलर जो है ना मतलब जो मेथड है उसको जो है ना एक्सेप्ट करना है, और अब देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को आसान करे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो न्यूज़ में क्या हुआ है? हाँ जी, न्यूज़ में क्या हुआ है? न्यूज़ में ये हुआ कि चंद्रयान चांद से पार चला गया भाई, चांद पे पहुँच गया इंडिया, इंडियन चांद में पहुँच गया है अभी। हाँ जी, और हम कहाँ पर, हम चांद पर जा सकते हैं अभी? नहीं, क्यों नहीं जा सकते? इंडिया हम पर हमला करेंगे, इंडिया हम पर हमला करेंगे, ठीक है? ये आपने इधर आए जरा, इधर आए जरा, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया हुआ, कह रहे इंडिया हम पर हमला करेगा? बच्चों को पता है जी, सही बोल रहे, बताएं। गदर देखी है? अच्छा, गदर देखी है? इसने गदर देखी, लेकिन मैंने गदर देखा है। कब देखी थी आपने? मैंने कल। अभी इंडिया के साथ दोस्ती कर ले, हम सुलह कर ले? दोस्ती नहीं करना, वो हमें मारेंगे। वो हमें नहीं मारते, वो भी अच्छे हैं, दोस्ती कर लेते हैं। हम, ये हमसे नफरत करते हैं। नहीं नहीं करते यार, आपको किसी ने गलत बताया क्या? ये आपको किसी ने गलत गाइड किया, वो भी बड़े अच्छे हैं। चैनल है ये, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, दोस्ती कर ले क्या? वो चांद पर चलेंगे, तरक्की कर ले, हम तो दुश्मनी में पड़े हैं, हम भी दोस्ती कर लेते, तरक्की कर लेते हैं, रॉकेट बनाओ ना आप भी, हम भी चांद पर जाए क्या? ले लो, चलो चलो चलो, टिकटॉक में कुछ होता है, न्यूज चैनल, ओके, न्यूज चैनल, कार्टून चैनल, थैंक यू सो मच, ओके, करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन सर, नाम आपका? मोहम्मद शकील। सर आपको एक बहुत बड़ी न्यूज देनी है। जी बताइए। सर न्यूज ये है कि चंद्रयान के बारे में आपने सुना? हाँ जी, चंद्रयान में ट्राई, इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर। हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है, हो गया कामयाब। और पहले पता कितनी मरतबा फ्लॉप हुए हैं वो? पहले एक मरतबा फ्लॉप हुए, एक मरतबा कामयाब हुए, दूसरी मरतबा होते होते थोड़ा रह गया, खत्म हो गए थे, तीसरी मरतबा कामयाब हो गए। देखे ये जो कौमें मेहनत करती है ना, वो ट्राई करती हैं, वो आगे चले जाती है। यहाँ पे तो हमें हालात ही पाकिस्तान के बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, हालांकि हम पाकिस्तानी को आगे होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, और वो लोग जो मुसलमान भी नहीं है, जो इलम भी ज़्यादा नहीं करना चाहते, और बड़ी अजीब किस्म की कौम है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तानियों से बहुत आगे चले गई है, ये हालात है हम पाकिस्तानियों के। बाय द वे सॉरी टू से। सर एक बात बताऊं आपको, साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया, और दूसरे नंबर पर चांद पर जाने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। बताएं जरा, हम बीट कर सकते हैं उसको इस सेक्टर के अंदर? नो वे, अभी तो जो आपके हालात है, आप खुद से सर्वाइव हो जाए तो बड़ी बात है, किसी को बीट क्या करना है, आप खुद इस, हम लोग इस वक्त खुद सामने, वो सामने पता करें, 300 का डॉलर हो गया, कहाँ पे जाएंगे आप, क्या करेंगे अभी हम लोग? तो मैं अभी आ रहा हूँ जमा करवा के, हम लोग सोच रहे हैं कि भागना कैसे पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स हर कोई, मैं नहीं हूँ, हर चौथा आदमी कोशिश यही कर रहा है कि हम निकल जाएं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के। सर हमारे झंडे पर चांद आ रहा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ ये देख लें, ये बहुत उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है, और जो कौमें मेहनत करती है ना वो चलती है, ये कौमें मेहनत नहीं, हमारी कौम मेहनत नहीं, हम लोग सिर्फ खाने के लिए हैं यहाँ पे सारे। सर अभी अभी न्यूज़ आई है, इसी के साथ ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं इस टाइम अफ्रीका के अंदर, और ये चांद लैंड करते साथ ही खबर आई है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया तीसरी बड़ी मीशत बन जाएगा दुनिया की, कितनी बड़ी सक्सेस हो रही है उनके लिए। सर देखें, जो कौमें, जो लीडर्स अपनी कौम के बारे में सोचते हैं ना, वो कौमें आगे जाती है, चाहे वो जो सी मर्जी कौम हो, जो लीडर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो कौमें हमारी तरह ही रहती है सारी उम्र, अल्लाह माफ़ करे, आगे पता नहीं क्या हालात होंगे पाकिस्तान। अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल रोने लग पड़े, कहने लगे कि इतने बुरे हालात हैं कि रोटी नहीं पूरी हो रही, बड़े बड़े बुरे हालात आ गए, क्या हमने क्या कर दिया अपने मुल्क के साथ? देखिए मैं बड़ी मजेदार सी बात बताता हूँ, जिनका 1 लाख रुपये भी सैलरी है ना जिनकी इस वक्त, 50,000 रुपये तो उनको बिजली का बिल आ जाता है, गवर्नमेंट वो 50,000 रुपये ले जाती है, बाकी 50,000 रुपये बेचारा अगर रेंट पे रह रहा है अगर किसी पे, तो 25,000 से 30,000 वो घर का रेंट दे रहा है, और 20,000 में खाए क्या, बच्चों पे का खर्चे और स्कूल पे का खर्चे, बच्चों की एजुकेशन पे का खर्चे, पेट्रोल कहाँ से टलवाए, पेट्रोल के हालात भी आपको पता है, सॉरी टू से, अल्लाह ही है, अल्लाह से दुआ करें मस्जिद में जा के हम लोग। आखिरी क्वेश्चन आपसे, लूनर 25 रशिया के साथ मुकाबला था इंडिया का, आपको पता चांद पर रशिया ने भी अपना रॉकेट भेजा, लेकिन रशिया क्रैश कर गया, लैंड ना कर सका, इंडिया कर गया सर, फतह ले ली इंडिया ने अपने झंडे गाड़ दिए चांद के अंदर। ऐसे ही है, देखें मैं फिर वही कहूँगा,
कि जो लोग कौमें मेहनत करती है ना, अभी खाली आप चंद्रयान की बात ना करें, आईटी के मामले भी बहुत आगे हैं वो। आप जिस तरफ देख लें उन लोगों को, आईटी के मामले में, दूसरे बिजनेस के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देख लें आप, जिस तरफ भी देख लें, इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लें। आई एम फ्रॉम सिनेमा इंडस्ट्री, आई टोल्ड यू, ठीक है, सिनेमा इंडस्ट्री में भी देख लें, हर तरफ वो इंटरटेनमेंट में भी बहुत आगे हैं, हम लोगों से बहुत आगे। ये खाली हम बातों में ही आगे हैं कि क्रश इंडिया ये वो, नहीं, आप लोग उससे कुछ नहीं कर सकते। चांद पर जो गया वो पूरी इंसानियत की कामयाबी है सर, पूरी इंसानियत के लिए इंसान तरक्की कर रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक। और इंडिया देखे ना सर, पूरी दुनिया में कितने मुल्क है, 205 मुल्कों के अंदर इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया चांद पर जाने वाला। यार मैं तो हैरान हूँ, हम किधर हैं यार, हमें तो पता ही नहीं है, हमारा तो मुल्क ही चांद बन गया, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। देखिए बात ये है, हम तो पहाड़ों के दौर में वापस आ रहे हैं, हालात तो ये हो रहे हैं, आगे ना वही आप जैसे आप बता रहे हैं बिजली के जो हालात जा रहे हैं, आगे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे लोग, आगे पानी, आपका पानी का भी अभी बिल आना शुरू हो गए, इतने इतने आदमी कैसे सर्वाइव करेगा पाकिस्तान में, ठीक है। गरीब आदमी जिसकी सैलरी, मिनिमम सैलरी क्या है, 25,000 रुपीज मिनिमम सैलरी, और आपका बिजली का बिल है 15,000 से कम आ नहीं सकता, 200 यूनिट से जो मर्जी कर ले आपके 300 से 400 यूनिट खर्च हो जाएंगे, चाहे आप फ्रीजर ना चलाएं, खाली बिजली का बिल भरेंगे, ऊपर 300 यूनिट पे आपका 15,000 रुपये बिल है, और 10,000 रुपये गरीब आदमी खाएगा कहाँ से और ओढ़ेगा क्या। क्या मैसेज देंगे लास्ट पे, और खुशी के साथ चंद्रयान के बारे में क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको और पूरी इंसानियत की कामयाबी, इसलिए क्या कहेंगे? देखे एशिया के हिसाब से अगर इंडिया ने ये काम किया तो बड़ी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। देखे हमारे साथ पड़ोसी हमारा मुल्क है, वो भी आगे गए हैं और उन्होंने मेहनत की, हमारे लिए एक मिसाल है। हम लोगों को भी, हमारी कौम को भी सोचना चाहिए, कौम को क्या, हमारे लीडरान को सोचना चाहिए इस वक्त कि हम लोग किस, हमारी कौम किस हालत में है इस वक्त। बिल्कुल सही हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी तो कैसे, हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं जो कि अपने दिल की कुछ बातें करना चाह रहे हैं हमारे साथ। जी अंकल क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, गरीब आदमी पिसके रह गया, अच्छे अच्छे बच्चों को डकैतियां करते देख रहा हूँ, इतने इतने खूबसूरत नौजवानों को नशा करते देख रहा हूँ, अच्छे घरों की बच्चियों को पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा हूँ। इसलिए लिया था मुल्क? इसलिए लिया था, कायदे आजम ने मुल्क इसलिए नहीं लिया था, ये तो बस बन गया मेरे नबी की दुआ से, जैसे कुत्ते को खीर नहीं पचती, हमें ये मुल्क नहीं पचा। कौन जिम्मेदारी सलात का? इस हालात के जिम्मेदार सबसे ज्यादा हम हैं। एक बिरयानी की प्लेट, एक कोक की बोतल लेके वोट देते, लानत है हम पे, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हमें सब पता है, लेकिन हमने उन कुर्बानियों को ज़ाया कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते देख रहा हूँ। ऐसे हालात पहले थे? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दौर जो लगा ना, ज़ियाउल हक़ का लगा, किसी की जुर्रत नहीं थी कोई रिश्वत ले ले, किसी की जुर्रत नहीं थी मिलावट कर ले, किसी का हौसला नहीं था कि किसी के ज्यादती कर ले, आटा चीनी दालें सब कुछ सस्ता था, लोग पेट भर के खाना खाते थे। अब तो बिजली के बिल ही मान नहीं, बिजली के बिल तो रातों की नींद उड़ा रखी है, जो घर के सरबराह हैं कमाई करने वाले, जो बाहर मेरे जैसे बंदे बाहर मजदूरी करते हैं, इससे बड़ी क्या सजा होगी कि हम लोगों ने बच्चों की दोपहर का खाना खाना छोड़ दिया। ऐसा कभी भी नहीं देखा था। काम क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ। कौन से महकमे से? मैं PWD में था, एजुकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इससे बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे थे। हम अगर किसी को वोट देते थे ना इस उम्मीद पे
कि चल यार जो अगला बंदा आएगा हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जो भी आता है मजीद मुश्किलात और परेशानियां बढ़ा देता है। एक गरीब आदमी है उसकी 30-25-30-40-40-40,000 तनख्वाह लगा लो, उसके 3-4 बच्चे हैं, मुझे बजट बना के दिखा दो, मैं अपना अपनी गर्दन खुद ही काट लूंगा, लो बना के दिखाओ। बिजली का बिल 100 यूनिट यूज करेंगे, 15,000 तो चलो 100 यूनिट एक इंसान यूज करता है उसका बिल लो, उसके साथ बदमाशी वाले पैसे क्यों ले रहे हो यार। अगर आप लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं वो झंडों पे लिख रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पे लिख रहे हैं मुल्क छोड़कर ना जाओ, ये वतन तुम्हारा है, तुम पास। ये वतन तो हमारा है, हमारी जान भी इसके लिए कुर्बान है, हमारे बड़ों ने ये मुल्क जो है बड़ी मुश्किलों और कुर्बानियों से लिया है। हमारे बड़े उधर से हवेलियाँ बिल्डिंगें छोड़ के आगे इधर झोंपड़ियों में रहे थे, इसलिए रहे थे कि मुल्क ये देखिए कुर्बानियाँ दी थी कि यार ये हालात में उठाने पड़े। आज इंडिया देख ले कहाँ चला गया। इंडिया का जो है वो इस वक्त मैं इंडिया गया था कोई 87 में गया था, 87 तो मैंने 1,000 रुपये के 10 उन्हें 8-7,000 रुपया दिया तो उनका 10,000 रुपया मुझे मिला था। अच्छा यार मेरा मकसद है कि इंडिया अपने मुल्क के लिए फेर है, उसके सियासतदान अपने मुल्क के लिए फेर हैं, यहाँ के फेर नहीं है। जिसका जा दाव जहाँ लग रहा है वो लगा रहा है। आपको पता है महंगाई यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट जो 40% तक चला गया अभी 50 हो जाएगा, अभी तो आगे पेट्रोल मजीद 350 पे जाना, और मैं आपको एडवांस में बता दूं और जो डॉलर है वो भी 350 पे जाएगा। आल्टो गाड़ी में जब सभी फेसबुक पे देख रहा था आल्टो गाड़ी 3.5 लाख रुपए की वहाँ पे है। यार इससे बड़ी बगैरती क्या होगी। इंडिया में अगर कोई कारोबार करने के लिए बाहर से मुल्क से आता है ना तो वो कहते हैं भाई ठीक है करो कारोबार, कितने की चीज़ दोगे, मेरा मुल्क के रहने वाले इतने की चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहते हैं मंजूर है। उसके बाद कहते हैं फिर हमें क्या दोगे, पहले वो अगर रिश्वत खाते भी हैं ना पहले अपने मुल्क का भला करके खाते हैं। तो यहाँ रिश्वत अगर खानी होती उन्होंने इस टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ी की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है उसने इंडिया के हुक्मरानों से रब्ता किया, कहा कि भाई मैं आपके बेचना चाहता हूँ, डायरेक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया में मैं कार सेल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे वर्करों को तो जॉब मिलेगी नहीं, यहाँ पर आप सेल करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, आप ऐसे करो फैक्ट्री खोलो, ये हमारे जो वर्कर्स हैं इनको यहाँ जॉब मिलेगी और हमारे टैक्स में भी इजाफा हो जाएगा। चाइना जो है हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे बड़े मुश्किल काम में वक्त आता है, लेकिन उसने भी हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्त वो होता है किया किस लिए क्यों किया, इसलिए सी पैक दिया, सी पैक के अंदर सारे चाइना ना वो लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मिसाल के तौर पे एक चीज 100 रुपए की बना रहा है, सारी चीजें निकाल के अखराजात निकाल के वो तो 75 पैसे से बचते हैं, चाइना वही चीज जो है आपको 50 रुपए की दे रहा है। हमारी इंडस्ट्री तो गई, मजदूर मारा गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मुल्क के बारे में बेटा कोई नहीं सोच रहा। सर हम सीखते भी नहीं ना, हमें सीखने भी नहीं देता कोई, करो सीखने की कोशिश। आप मुझे एक बात बताएं, हमने हमारे इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है, किस चीज़ की वजह से हम उनके साथ लड़ रहे हैं। मकसद कहना क्या है कि अगर आप इंडिया के साथ तजारत करते हो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों के साथ तजारत की, उनकी कस्में खाते थे भाई, जो माल आप दूसरे मुल्कों से लेते हो इंडिया, भाई कारोबार ठोक बजा के करो, इंडिया से कारोबार कर लो, वहाँ से चीज़ पैसे देने चीज़ लेनी यार। अगर आप इंडिया से कारोबार करते हो आप खुशहाल हो जाते हो, दुश्मनी अपनी जगह पे दुश्मनी क्यों करनी है हमने, हमने दुश्मनी करनी क्यों है। मुझे एक बात बताएं आप, 4 जंगें लड़ी नुकसान किसको हुआ, रोड पर कौन है वो या हम, रोड पर हम है किसने लाया। अभी आप मुझे बात बताएं, आज हम इंडिया के साथ हाथ मिला लेते हैं, हम कह देते कि भाई आप आपका और हमारा कोई दरमियान में कोई मसला नहीं है, हमसे सुलह कर लो, तो भूखा कौन मरेगा, हम आवाम मरेगी या फिर हुक्मरान मरेंगे, होगा क्या, किसके नाम पर खाते हैं, बस हुक्मरान ही मरेंगे। आप मुझे बताएं इंडिया की दुश्मनी बेच बेच के हम आज हम ये हालात में आए हैं, आज कॉन्फ्लिक्ट सारा खत्म करें, उनके साथ ट्रेड करें, हाथ मिला लें, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है वो। सर यकीन करें कि हम अपना जो हमारा बजट है 85% किसको दे रहे हैं, सिक्योरिटी दारों को दे रहे हैं ना, तो बात दरअसल बेटा बात ये है
कि हमें हर मुल्क के साथ बना के कारोबार हर मुल्क के साथ करना चाहिए। देखें जी सऊदी अरब है सर, देखें ये बात हमें सब कुछ लुटाने के बाद समझ में आई है कि भाई कारोबार सबके साथ करने चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि यासर अरफात की बीवी कहाँ की थी? यहूदी की थी, इसराइल की थी, ठीक है। सफारत खाना खोल लिया जनाब, इस उसने सऊदी अरब ने भी खोल लिया, दुबई ने भी खोल लिया, सब ने खोल लिया। तो यार मकसद कहना हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? जो पंजाबी कहते हैं राह जाना टकाना टेंडे च फसा लिया। सी हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए, उनके साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि यार जो हमारा मुल्क भी खुशहाल हो। हमें तो अपने नहीं जीने दे रहे, उनके साथ हमने क्या करना है? सर अपनों को खुद समझाना पड़ेगा, अवाम को शोर लेके आना पड़ेगा, अवाम को अभी थोड़ा बताना पड़ेगा उनको कि भाई अभी हमें दुश्मनियाँ नहीं लेनी, हमने किसी से नहीं लड़ना भाई, हमें अभी सुलह करनी है, हमें ट्रेड करनी है, दुनिया के मुकाबले में खड़ा होना। लड़ाई कर करके तो ये हालात में आ गए सर। मैं तो अपने मुल्क के रहने वालों को, अपने मुल्क के हुक्मरानों को यही कहता हूँ यार खुदा के लिए लोगों के बारे में सोचो, ये जो लोग परेशान हैं ना इनके बारे में सोचो, उनके बच्चे जो हैं परेशानी में घर ना छोड़ जाएं, नशे पे ना लग जाएं, डकैतियों पे ना लग जाएं। भाई जब गुर्बत होगी कल शाम घर में तो 5-6 अफराद खाने वाले हैं, नौकरी उसके पास नहीं, वो तो डकैती करेगा ही। खुशहाली पैदा करो। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये, आपके घर में 5 अफराद हैं, आप लेके जाओगे वो 15,000 रुपये से क्या होगा? बाकी भूखे मरेंगे ना सर। बेटा वही आ गई ना।